उच्च शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री ने सपा पर साधा निशाना। जनपद कन्नौज में बने निरक्षर भवन में जिला प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने 2 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गुरुवार की सुबह निरक्षर भवन में पत्रकारों के साथ अहम मुद्दों पर बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हम साल 2029 तक जर्मनी और जापान को पछाड़ते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। व्यक्ति की आय दोगुनी हो गई। महिलाओं के जनधन खाते खोले जाने का काम किया गया। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 81 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का भी काम किया गया। विपक्ष महिलाओं को केवल चुनाव के समय ही याद करते हैं। हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ये बात विपक्ष को पच नहीं रही है। जो लोग देश और प्रदेश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे उनको तो कुछ तो बोलना ही है। हम विकास की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, अन्य लोग क्या कहते हैं इस पर हम ध्यान नहीं देते। कि जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे आजादी का तो हमारा देश कैसा होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए ये बजट लाए हैं। चाहे महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो और हर वर्ग के लिए, गरीब, किसान, युवा, नौजवान, मध्यम वर्ग के सबके लिए बजट में प्रावधान किया गया। हमारी स्थिति पहले क्या थी और अब क्या हो गया उसको आप देखिए। हम 10वें से 5वें बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक राज किया उसको पीछे छोड़ते हुए हम आगे आ गए। सर्वेक्षणकारी बताते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा, जिस तरीके से मजबूती से हम चल रहे हैं, जिस दौड़ में हम हैं, हम 2029 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय हमारी दोगुनी हो गई। महिलाओं को हमने जनधन खाते खोलने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास देने का हमने काम किया। और इस बार बजट भी हमने बहुत ज्यादा फिर से बजट बढ़ा दिया प्रधानमंत्री आवास के लिए। हमारी महिलाओं के पास, हमारा कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके पास आवास ना हो, सारी चीजें हमने करने काम किया। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 81 लाख स्वयं सहायता समूह से उनको जोड़ने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि हम महिलाओं की बात ऐसे ही नहीं करते जैसे लोग किया करते थे कि जब चुनाव आया तब सिर्फ हमने चुनाव का मुद्दा बना लिया। हमने सामाजिक स्तर पे कुछ हुआ तो सिर्फ उनका मुद्दा बनाया, लेकिन कभी ये नहीं हमने सोचा कि महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी। हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया। युवाओं के लिए स्किल के लिए हम लोगों ने सोचा, उनको कैसे अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको लेकर के आए हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता के उनका ज्ञान देकर के हम लोग को उनको आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए रोजगार देने का हम काम करें, ऐसी शिक्षा नीति हम लेकर के आए हैं। उनको हम आधुनिक चीजों से जोड़ करके किस तरह से रोजगार मिल जाए इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने जो अभी हम G20 की का प्रतिनिधित्व हमारा भारत कर रहा है, किसानों के लिए हमारी योजना है, किसानों की कैसे उनकी उपज ज्यादा हो जाए, उसका लाभ उनको कैसे ज्यादा मिले। मोटा अनाज हमारे यहाँ ज्यादा होता है तो हम अपने देश को विश्व में हब बना रहे हैं मोटे अनाज का, तो हर तरह से उसको सशक्त करने के लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। हमारा युवा कैसे आगे बढ़ रहा है, हमारी महिलाएं स्वावलंबी कैसे हो रही है, हमारा देश का हर तबका कैसे आगे बढ़ रहा है, तो ये विपक्षियों को हजम नहीं हो पा रहा। जो देश और प्रदेश के लिए कुछ कर नहीं पाए तो उनको तो कुछ ना कुछ कहना ही है, लेकिन हम लोग विकास की बात करते हैं, अपने प्रदेश की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, बाकी और क्या कहते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा देश क्या चाहता है, उसके लिए क्या हित करें वो हम करते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान आया था उनके नेता के द्वारा, रामचरित। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होलीगेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।